तो दोस्तों Xiaomi ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन किलर 2.0 को अनाउंस कर दिया है और वो 28 मई को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम ऑफिशियली K20 Pro रखा जाएगा। बट मैंने सोचा था कि ये शायद पोको F2 के नाम से आएगा, तो कोई नहीं दोस्तों, हो सकता है ये हमारे इंडिया में पोको F2 के नाम से है। तो चलो दोस्तों, ये मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है Redmi K20 Pro। बट K20, K10 भी होना चाहिए, K10 Plus जैसी भी होना चाहिए, अदरवाइज वो सब छोड़ो, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं K20 Pro के ऑल लीक्स बारे में। अगर आप K20 के बारे में कुछ जानते हैं या फिर और ज्यादा कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिटी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोबाइल एंड गैजेट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को एंड में लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में भी एक के बाद एक धांसू मोबाइल आते जा रहा है। अभी आप रेडमी को ही ले लो, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7 एस, मतलब एक मोबाइल आदमी सोचता नहीं पता कि ये लेना है, ये लेना है, और दूसरा मोबाइल लॉन्च हो जाता है। अभी रियलमी का मोबाइल लॉन्च हुआ रियलमी 3 प्रो, जिसमें रेडमी नोट 7 और रियलमी 3 प्रो में जबरदस्त टक्कर हुई। बट अभी हाल ही में वन प्लस ने वन प्लस 7 प्रो लॉन्च किया है, जो कि एक बहुत ही फ्लैगशिप मोबाइल है, लेकिन इसको भी टक्कर देने आ रहा है रेडमी का K20 प्रो। तो दोस्तों, रेडमी के K20 के बारे में बात की जाए तो इसमें भी दोस्तों ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मीन्स 48 मेगापिक्सल कैमरा, बट 48 मेगापिक्सल कैमरा की शुरुआत दरअसल Xiaomi ने ही की थी अपने नोट 7 प्रो से। उसके बाद ऑनर, हुआवे, मतलब एक से एक मोबाइल आए। अभी नोट 7 प्रो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पहले वाले वीडियो में भी बताया है, नोट 7 प्रो में भी 48 मेगापिक्सल कैमरा है। वहीं अब तक रिलीज की माने तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड में देखने को मिल सकता है, जो 48 मेगापिक्सल का होगा, 8 मेगापिक्सल का होगा एंड 30 मेगापिक्सल का होगा। और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सुपर सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, बात की जाए इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस वन प्लस 7 प्रो से काफी अफोर्डेबल होने वाला है, क्योंकि वन प्लस 7 प्रो 48,000 की स्टार्टिंग कीमत पे है और उसमें स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर दिया गया है। 855 प्रोसेसर इसमें भी दिया गया है, बट इसका स्टार्टिंग प्राइस 26,000 रुपए है, जिसका वेरिएंट 6GB और 64GB है, और एक वेरिएंट इसका 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आता है, जिसका प्राइस लगभग 28,000 से 30,000 रुपए है। लेकिन अब देख रहा ये होगा दोस्तों, क्या रेडमी का K20 Pro वन प्लस 7 प्रो को टक्कर दे पाता है कि नहीं दे पाता है? मुझे तो लगता है दे देगा, क्योंकि इसमें भी 855 है, उसमें भी 855 है, बट कुछ क्वालिटी इसकी अलग है, कुछ क्वालिटी उसकी अलग है। बट मैं बोलता हूँ, जिसको मिडिल रेंज में 855 का प्रोसेसर चाहिए, मिडिल क्लास के, मिडिल रेंज में, बजट सेगमेंट में, वो मैं तो बोलता हूँ जाओ रेडमी के K20 के साथ जाओ और इसको परचेस करो। बट ये 20 मई को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है, देखना ये होगा दोस्तों ये हमारे इंडिया में कब लॉन्च होगा। और हाँ, इसके मजबूत स्पेसिफिकेशंस, सटीक स्पेसिफिकेशंस, इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाले हैं वो भी देखना होगा दोस्तों। बट मैंने जो अभी इस वीडियो में बताया है वो सिर्फ एक लीक्स और रूमर्स है, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ सही हो जाए, तो एनीवे दोस्तों जान दो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो Redmi K20 वाला, तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल टेक्निकल सिटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही गैजेट रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल में लाता रहता हूँ।